तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के किसानों को नई सौगात दे रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फसल की 35 विशेष किस्में कार्यक्रम शुरू हो चुका है। सीधा लाइव जुड़ेंगे कार्यक्रम के साथ। लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए गायों के जख्म पर मरहम लगाना और गायों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराना, यह अपने आप में अद्भुत उदाहरण है। मैंने और किसी राज्य में इस प्रकार का उदाहरण नहीं देखा। पानी का अभाव था, नर्मदा जी का जल आया, चेक डैम बने, नहरीकरण हुआ, लेकिन इसके साथ साथ तकनीक और विज्ञान को भी प्रधानमंत्री जी ने प्राथमिकता दी, सूक्ष्म सिंचाई को अपनाया और उसके कारण गुजरात आज खेती के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, कच्छ एक ऐसा जिला था जिसमें रेत ही रेत था, वहां खेती होगी ये कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता, विज्ञान और तकनीक, किसानों के परिश्रम के माध्यम से आज कच्छ जिला खेती के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट जिले के रूप में काम कर रहा है। हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से यह गौरव की बात है। प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तो मुझे ध्यान है कि उस समय दुग्ध का उत्पादन तो गुजरात में था, लेकिन उनके कार्यकाल में उनकी दूरदृष्टि और प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप दूध के उत्पादन को उन्होंने दोगुना किया। और इतना ही नहीं, जब गुजरात की ऑल ओवर ग्रोथ रेट 9.8% हुआ करती थी, उस समय एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट 9% के आसपास रही। यह निश्चित रूप से हमको ये जताता है कि कृषि के प्रति उनका निश्चित रूप से कितना लगाव रहा है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में प्रधानमंत्री जी देश में भी चिंतित हैं और दुनिया के प्रति भी जो भारत की प्रतिबद्धता होनी चाहिए उस प्रतिबद्धता को भी निर्वहन करने के लिए वो पूरी तरह लालायित हैं। जब वो केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री पद का काम संभाले तब से लेकर अगर कृषि के क्षेत्र में आज हम देखेंगे तो एक तौर से नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है। चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 99,000 करोड़ रुपया किसानों को दावों के परिणाम स्वरूप देने का सवाल हो, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 1,58,000 करोड़ रुपया किसानों को उनके खाते में उपलब्ध कराने का मामला हो, चाहे 10,000 FPO बनाने के लिए 6,850 करोड़ रुपए की केंद्र प्रायोजित